हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं आपसे थिस्टी के बारे में बात करने वाला हूँ टी एच एस टी आई इसका एब्रीवियशन है और इसका फुल फॉर्म है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये ब्रिक डी ऑर्गेनाइजेशन एक है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है एक्सटर्नल अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह होगी वो काफ़ी रिसर्च इंटेंसिव होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जो क्रेडिबिलिटी होगी सर्टिफिकेट की वो भी ज़्यादा होगी तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा इसीलिए मैंने आपसे कहा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुँच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉमेसन नहीं पहुँच पाती अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन तो ये रहता ही है तो सबसे पहले आप क्या करना है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सटर्नल अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडिंग है आपको ये लिंक देख लेना है इस लिंक का डिस्क्रिप्शन uh, में भी मैं इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकें नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ शॉट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट सीकिंग टू कम्प्लीट देर बैचलर्स और मास्टर्स थीसिस यानी कि जो स्टूडेंट्स बैचलर्स प्रोग्राम में हैं या फिर मास्टर्स प्रोग्राम में हैं या डिसर्टेशन करना चाहते हैं रिसर्च लेबोरेट्री किसी रिसर्च लेबोरेटरी में जो टीएचएसटीआई का पार्ट हो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो अभी मैं सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए और उसमें ड्यूरेशन क्या है तो जो ये मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम है वो नॉट लेस देन फोर मंथ्स होगा यानी कि चार मंथ जो है वो मिनिमम आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा और मैक्सिमम जो है वो वन ईयर तक आप यहाँ पे रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है और डिग्री फुलफिलमेंट के लिए अगर बैचलर स्टूडेंट के बारे में बात करें हु हैव फेलोशिप फ्रॉम अ गवर्नमेंट फंडिंग बॉडी और अकेडमिक सोसाइटी मे बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ट्रेनिंग बिटवीन एट वीक्स टू सिक्स मंथ्स तो ये सिर्फ मास्टर्स या बैचलर्स स्टूडेंट्स के लिए है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फंड्स अपने हैं दैट मींस उनके पास खुद खुद की फेलोशिप है तो उनको कम समय के लिए भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है और टाइम ड्यूरेशन एट वीक्स टू सिक्स मंथ्स होगा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिर्फ बैचलर स्टूडेंट्स के बारे में दिखा गया है बैचलर स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन फॉर इन हाउस ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड बिटवीन टू मंथ्स एंड अप टू वन ईयर तो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए दो महीना मिनिमम टाइम पीरियड है और एक साल मैक्सिमम टाइम पीरियड है तो ये देखिए ये उल्टा है आई मीन टू से मास्टर्स के लिए अलग है अलग क्राइटेरिया है वहाँ पे मिनिमम चार महीने मैक्सिमम एक साल यहाँ पे मिनिमम बैचलर्स के लिए मिनिमम दो महीने मैक्सिमम एक साल है नेक्स्ट स्टूडेंट्स मे जॉइन द इंस्टीट्यूट एट एनी टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस इन द प्रोग्राम एज़ पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द सुपरवाइजर एट टी एंड ऑप्टेनिंग परमिशन फ्रॉम दिय डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन इसका साफ तौर पे मतलब यही है कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जब वो एक्सेप्ट किए गए हैं अगर प्रोग्राम में तो वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं हालांकि उनको अपने सुपरवाइज़र और अपने जो इंस्टीट्यूट है उससे बातचीत करके एक डेट फाइनल करनी होगी एलिजिबिलटी की बात करें तो स्टूडेंट यू जी या पब्लिकली पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज या यू जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज का भी हो सकता है प्रोग्राम विल एक्सेप्ट क्वालिफाइड मास्टर्स मास्टर्स अगर आपने लाइफ साइंस बायोटेक वेटनरी फार्मेसी और इंजीनियरिंग uh, में किया हुआ है और, और अगर बैचलर्स की बात करें तो इंजीनियरिंग मेडिकल फार्मेसी वेटनरी एग्रीकल्चर और लाइफ साइंस में अगर आपका बैचलर्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा <coughs> अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ईयर तो इसका कोई टाइम फ्रेम एज सच नहीं है तो आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई डायरेक्टली वाया आई ई मेल टू द सुपरवाइज़र तो आपको यहाँ पे कोई पोर्टल वगैरह नहीं है तो आपको डायरेक्टली ई मेल करना होगा सुपरवाइज़र को और उस उनके आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट मैच कर रहा है क्या तो अगर मैच कर रहा है तो आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टूडेंट शैल सबमिट अ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एच ओ डी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम देर कॉलेज यूनिवर्सिटीटिंग द रिक्वाज नेसेसरी तो ये पॉइंट साफ है कि आपको अपने डिपार्टमेंट या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर बनवाना होगा जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आपको इस ट्रेनिंग या uh, जो ये प्रोजेक्ट है इसकी रिक्वायरमेंट है अपनी डिग्री की फुलफिल्मेंट के लिए ये मैंशन करना होगा फीस के बारे में बात करें तो मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट्स Uh, जो यू जी पब्लिक या पब्लिक फंडेड या प्राइवेट अगर हम बोल रहे हैं कि यू जी पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज इनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ट्रेनिंग फ़ीस इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि अगर hmm. आपका इंस्टीट्यूट यू जी पब्लिक फंडेड है मतलब जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग फ़ीस नहीं देनी है अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हैं तो आपको पाँच हज़ार रुपये पर मंथ देना होगा अगर हम मास्टर स्टूडेंट्स की बात करें तो ऐसे मास्टर्स स्टूडेंट्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज को बिलोंग करते हैं उनको पाँच हज़ार रुपये पर मंथ देना होगा फॉर ट्रेनिंग पीरियड ऑफ़ फॉर अन कैटेगरी ओ बी सी कैंडिडेट्स अब अगर हम बात करें एस सी एस टी स्टूडेंट्स की तो उनको शैल पे फोर्टी परसेंट ऑफ़ द फीस ओनली तो पाँच हज़ार का चालीस परसेंट ही एस सी एस टी स्टूडेंट्स को देना होगा अन और ओ बी सी कैंडिडेट्स को पूरा पाँच हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से देना होगा अगेन ये मास्टर्स कोर्स के लिए है अगर बैचलर्स कोर्स के बारे में बात करें तो उनको बैचलर्स स्टूडेंट्स को जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हैं उनको ढाई हज़ार रुपये पर मंथ देना होगा और एस सी स्टूडेंट्स को चालीस परसेंट ऑफ़ द फ़ीस देनी होगी सेम है मास्टर्स और बैचलर्स के लिए फोर्टी परसेंट ऑफ़ फ़ीस ही देनी पड़ेगी बस जो कोर्स का प्राइस है पाँच हज़ार रुपये है और यहाँ ढाई हज़ार रुपये है नेक्स्ट फ़ी विल बी वेव्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स अपलाइंग थ्रू इंसा फेलोशिप अब आपको पता होगा कि टी एच एस टी आई जो है वो डी बी टी का इंस्टीट्यूट है तो इंसा फेलोशिप के थ्रू यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं अगर इंसा फेलोशिप के थ्रू आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी और अगर आपके पास और भी नेशनल या इंटरनेशनल अकेडमिक स्कॉलरशिप्स हैं और जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं आपके डिग्री प्रोग्राम को तो भी आपको यहाँ पर फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स विल भी रिक्वायर्ड टू पे द फीस इन वन सिंगल इंस्टॉलमेंट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको एक साथ ही उतनी फ़ीस देनी पड़ेगी जितने भी दिन के लिए आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं लास्ट प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अपन सक्सेसफुल कम्पलीशन जब आपका हो जाएगा टी एच एस टी आई विल ग्रांट ट्रेनिंग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट टू तो द स्टूडेंट्स टू तो फुलफिल दियर डिग्री रिक्वायरमेंट तो वहाँ पर टी एच एस टी आई की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा अब सुपरवाइजर्स के गाइडेंस के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूमेबल्स और रिसर्च फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं टी के इसके अलावा टी कोई भी रिस्पॉन्सबिलिटी नहीं लेगा आपको फंडिंग वगैरह के लिए इसके अलावा स्टूडेंट्स में अवेल टी एच एस टी आई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑन पेमेंट ऑफ़ द रिक्वायर्ड चार्जेस और इसके अलावा आपको सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स या इंस्टीट्यूशनल एकोमोडेशन फैसिलिटी दी जा सकती है पेमेंट बेसिस के ऊपर सुपरवाइजर एंड टी एच एस टी आई विल रिटेन करस्पॉन्डिंग ऑथरशिप इन्वेंटरशिप विद रिगार्ड टू द पब्लिकेशन अगर कोई पब्लिकेशन आता है तो करस्पॉन्डिंग ऑथर टी एच एस एस टी आई का जो फैकल्टी होगा उसी के पास होगा स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट मोर दैन मोर देन अगर एबसेंटी आपकी दस दिन से ज़्यादा हो जाती है तो आपको uh, हो सकता है कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ना भी दिया जाए तो ये सारी की सारी हो गई तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं पीपल में फैकल्टी एंड साइंटिस्ट पे जाकर के यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट्स के, के नाम दिए हुए हैं जो टी में काम कर रहे हैं फिफ्टी फ़िफ्टी टू लोग हैं और इनको चेकआउट कर सकते हैं इनकी डिटेल में जैसे कि सपोज़ करिए कि प्रोफेसर जी कार्तिकेन सर हैं इनको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि इनका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है अब देखिए जैसे कि रिमेटिक हार्ट डिजीज़ एविडेंस एडवोकेसी कम्युनिकेशन हो यहाँ पे आप हार्ट uh, डिजीज़ के बारे में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है पब्लिकेशंस इनके देख सकते हैं अब कहाँ कहाँ पे पब्लिकेशंस हैं क्या क्या आप देखिए हार्ट डिजीज़ के ऊपर इनका काफ़ी काम है जैसे मैंने आपसे कहा था र्यूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ के ऊपर काम है तो अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अप्लाई करना है वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे